वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या वे मोनेटाइजेशन को समझते हैं। उन्होंने कहा कि क्या 2008 में कांग्रेस सरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP यानी प्रस्ताव के लिए अनुरोध नहीं लाई थी। मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि अब रेलवे स्टेशन का मालिक कौन है जीजा जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ दिया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। राहुल गांधी अगर मोनेटाइजेशन के खिलाफ थे तो उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP क्यों नहीं फाड़ा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि PM नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को देश की संपत्ति बेच रहे हैं। सड़क मार्ग, रेलवे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, खनन, एयरपोर्ट, पोर्ट स्टेडियम, ये सब किसको दिया जा रहा है। इन सबको बनाने में 70 साल लगे हैं। ये 3-4 लोगों को दिया जा रहा है। आपका भविष्य बेचा जा रहा है, 3-4 लोगों को तोहफे में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हमारा निजीकरण तार्किक था। घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करते थे, ना कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण विभाग के। अब निजीकरण मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। मोनोपोली से रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी BJP का नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 70 सालों में जो पूंजी बनी थी उसे बेचने का निर्णय लिया। मतलब PM ने सब कुछ बेच दिया। रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं की, किसानों के लिए कानून बनाए। मोदी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ देश के युवाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को लॉन्च किया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की ऐसी एक सूची तैयार की जाएगी जिसे सरकार को अगले 4 साल में बेचना है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए अगले 4 वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के लॉन्चिंग के मौके पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही सिर्फ बेचेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास होगा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।